उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति और उम्र की गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को त्रिवेंद्र की अचल संपत्ति का फिर से मूल्यांकन करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इस बात की शिकायत बीजेपी के ही पूर्व कार्यकर्ता रघुनाथ सिंह नेगी ने की है। पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिले के अधिकारियों ने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। इस मौके पर लोगों को पीएम आवास योजना की जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण के अंतर्गत किए जा रहे भवन निर्माण के अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, बीमा योजना, लोन और भूकंप रोधी मकानों के बारे में विस्तार से बताया गया है। देहरादून में 66वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन हुआ। इस मौके पर सीएम रावत, खेल मंत्री अरविंद पांडे, डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी सहित कई अधिकारियों ने शिरकत की। आपको बता दें कि एथलेटिक्स मीट में उत्तराखंड पुलिस ने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीता, तो वहीं प्रतियोगिता में पंजाब पुलिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। इस दौरान सीएम ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। पहाड़ी क्षेत्रों में नए साल के स्वागत और जश्न के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस मौके पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं और जश्न में खलल डालने वालों पर सख्ती बरतने की हिदायत भी दी है, जिसके चलते पर्यटन स्थल चौकोड़ी और मुनसियारी में विशेष सतर्कता बरतने के लिए पुलिस की टीमें भी लगाई गई हैं। साथ ही जिला मुख्यालय के लिए 7 टीमों का गठन किया गया है। बागेश्वर में मकर संक्रांति के दिन लगने वाले उत्तरायणी मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दें कि सरयू और गोमती नदी के तट पर हर साल मकर संक्रांति के मौके पर उत्तरायणी मेला आयोजित होता है और एक हफ्ते तक चलने वाले इस मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जिसको लेकर नगरपालिका ने सरयू और गोमती नदी में पैदल पुलों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मंदिरों की साफ सफाई और सजावट की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।